हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास्थली वाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट, ज्योग्राफी के इस फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर का आज हम 8th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इस फोर्थ चैप्टर के हम ऑलरेडी 7 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन जैसे टाइप्स की बात की। और तो और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्रॉपिंग पैटर्न भी देखा, और उसके बाद हमने मेजर क्रॉप की स्टार्टिंग की, जिसमें हमने फूड क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन इसकी भी बात की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑयल सीड्स की और बीवर्स क्रॉप की। जी हाँ, बीवर्स क्रॉप यानी कि टी और कॉफी की। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग की थी फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की, यानी वो क्रॉप्स जो फूड क्रॉप्स तो हैं, खाने के रूप में इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन वो ग्रेन्स अनाज नहीं है, जैसे कि शुगर केन। और आज हम बात करने वाले हैं ऑयल सीड की। तो चलिए देखते हैं क्या है वो, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑयल सीड का मतलब होता है वो सीड्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है, और ऑयल की बात हम फ्यूल ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑयल जो हमारे लिए क्या है, इडिबल ऑयल है। मोस्ट ऑफ द जो ऑयल सीड्स होते हैं वो इडिबल ऑयल, इडिबल ऑयल का मतलब खाद्य तेल, यानी वो ऑयल जिसे हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे फूड को फ्राई करने में, उसे ऑयली बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑयल सीड्स का मतलब वो क्रॉप्स जिनके सीड्स से हमें क्या मिलता हो, ऑयल मिलता हो, जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो। मोस्टली जो ऑयल इंडिया में मिलता है वो तो मेनली ग्राउंड नट से ही मिल जाता है। ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया यानी सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, इसी से ही, या सोयाबीन का तेल हो गया, इन्हीं से ही मैक्सिमम जो ऑयल है इंडिया में एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा सीसम यानी कि तिल का तेल, कोकोनट, नारियल का है ना, ये और भी कुछ सीड्स हैं, जैसे कॉटन सीड हो गया है ना, उससे भी तेल निकलता है, उसका भी तेल इस्तेमाल किया जाता है, बट वो कुछ दूसरे कामों में, खाने के लिए मेनली ग्राउंड नट, कोकोनट, मस्टर्ड और सीसम, इन्हीं चार ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं ऑयल सीड को ग्रो करने के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर होती है, इंडिया का रैंक क्या है, और कितना परसेंटेज क्रॉपिंग एरिया में ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है, कौन कौन सा ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑयल सीड्स में इंडिया के रैंक की, तो 2008 तक इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर आता था ऑयल सीड प्रोडक्शन में। जी हाँ, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 2008 तक सेकंड रैंक पर आता था। कनाडा और चाइना कंबाइनली फर्स्ट रैंक पे थे। जी हाँ स्टूडेंट्स, कनाडा और चाइना जो है फर्स्ट रैंक पे थे ऑयल सीड प्रोडक्शन में, और सेकंड रैंक पे इंडिया आता था 2008 तक, उसके बाद का डेटा अवेलेबल नहीं है फिलहाल। इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड इन 2008 आफ्टर कनाडा एंड चाइना। जी हाँ, कनाडा और चाइना फर्स्ट रैंक पे थे, उसके बाद सेकंड रैंक पे कौन था, इंडिया। इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड इन 2008 में इंडिया जो है पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सीड प्रोड्यूसर था, यानी कि खाद्य तेल, खाद्य बीज जो होते हैं, खाद्य तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। दूसरी बात, मोस्टली जो है ये जो ऑयल सीड्स हैं वो सारी की सारी क्या है, खरीफ क्रॉप्स है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं एक दो, जैसे कि सीसम हो गया, या उसमें हम लिनसीड की बात कर ले तो क्या है, रबी क्रॉप भी है। ठीक, तो मोस्टली तो क्या है, खरीफ क्रॉप ही है। मोस्टली ऑयल सीड्स आर खरीफ क्रॉप्स एंड आर ग्रोन अबाउट ऑन 12% क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। यानी इंडिया में जितना भी परसेंट क्रॉपिंग एरिया है, मान लीजिए हमारे पास 100 एकड़ क्रॉपिंग एरिया है, तो उसमें से 12% यानी कि 12 एकड़ एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या उगता है, ऑयल सीड। तो इससे आप सोच पा रहे होंगे कि इतना बड़े अमाउंट में ऑयल सीड उगाया जाता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑयल सीड्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होते हैं। मोस्ट ऑयल सीड खरीफ क्रॉप्स हैं एंड आर ग्रोन अबाउट ऑन 12% क्रॉपिंग एरिया ऑफ द कंट्री। जी हाँ, हमारे देश के जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है उसमें से 12% एरिया पर क्या उगाया जाता है, ऑयल सीड उगाया जाता है, और ये मोस्टली खरीफ क्रॉप ही होते हैं। पहली बात तो हमने देखी कि पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल सीड है, इंडिया उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना और कनाडा के बाद 2008 तक। फिर हम देखा कि मोस्टली ऑयल सीड जो होते हैं वो क्या, खरीफ क्रॉप हैं, और हमारे कंट्री के टोटल क्रॉपिंग एरिया के 12% एरिया पर उगाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। About 50% of total oil seeds produced in India is from groundnut. जी हाँ स्टूडेंट, इंडिया में जितना भी ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है उसमें से आधा 50% 50% ऑयल जो है वो किससे आता है, groundnut से, यानी मूंगफली का तेल है ना। बाकी जितने भी ऑयल्स आते होंगे जैसे कि कोकोनट, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सबको प्लस कर दो तो 50% आएगा, और अकेला ग्राउंड नट क्या शेयर करता है, 50%। यानी मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ ऑयल सीड जो प्रोड्यूस होता है, इडिबल ऑयल, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ग्राउंड नट से।
वही बताया गया है। अबाउट 50% ऑफ टोटल ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज फ्रॉम ग्राउंड नट। जी हाँ, ग्राउंड नट से ही 50% से ज्यादा ऑयल सीड, लगभग 50% या 50% से ज्यादा ऑयल सीड ग्राउंड नट से मिल जाता है इंडिया में। ठीक, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ग्राउंड नट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए। अगला देखते हैं, इसे उगने के लिए, इसे ग्रो करने के लिए किस तरह का सॉइल या सैंड टेक्सचर चाहिए होता है उसकी हम बात करते हैं। तो इट रिक्वायर्ड सैंडी लूमी एंड ब्लैक सॉइल। जी हाँ, ये सैंडी यानी थोड़ी सी रेती। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ग्राउंड नट जो है जमीन के नीचे उगता है ना, जमीन के नीचे मूंगफली ऐसी उगती है अंदर, तो अगर जो जमीन है नीचे अगर हल्की भुरभुरी रहेगी तो उसमें जो ग्राउंड नट है मूंगफली अच्छे से उग पाएगी, वरना हार्ड होगी तो उसमें जो सीड्स होंगे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसीलिए उसे थोड़ा सा सैंडी चाहिए, लूमी एंड ब्लैक सॉइल चाहिए। स्टूडेंट ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये भी ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे ऑलसीड अच्छे से उग पाता है, क्योंकि वो भी क्या है थोड़ा सा ब्लैक सॉइल पाया जाता है यहाँ पर भी। इट रिक्वायर्स सैंडी लूमी एंड ब्लैक सॉइल किसके लिए, मोस्टली तो ग्राउंड नट के लिए। बार बार जब ऑयल सीड्स की किसी कंडीशन की बात की जाएगी तो आप समझ जाएगा किसकी बात की जा रही है, ग्राउंड नट की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड नट ही तो आधे से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो हमारे लिए ऑयल सीड का मतलब क्या, ग्राउंड नट। ऑयल सीड का मतलब क्या होगा हमारे लिए, ग्राउंड नट ही हो गया। तो हम जो भी ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे यानी कि ग्राउंड नट के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इट रिक्वायर्स सैंडी लूम एंड ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल और थोड़ी सी रेतीली जमीन रही तो वहां पर क्या उगाया जा सकता है, ऑयल सीड यानी कि ग्राउंड नट उगाया जा सकता है। इंडिया में जो मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसर है यानी कि कौन कौन से ऑयल सीड से हमें मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस ऑयल एडिबल ऑयल प्राप्त हो जाता है, यानी कि हमें खाद्य तेल एडिबल ऑयल किन किन सीड से मिलता है जो इंडिया में मेन है उसकी हम बात करते हैं। मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस आर ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल, सीसम, तिल का तेल है ना, सोयाबीन पता ही आपको, कैस्टर, कॉटन, लीन सीड एंड सनफ्लावर। जी हाँ, इन सभी के सीड से हमें क्या मिलता है, एडिबल ऑयल मिलता है। बट स्टूडेंट्स ये सारे जो ऑयल सीड्स हैं ये सारे ऑयल को हम खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, इसमें से कुछ ऐसे ऑयल भी हैं जिनका इस्तेमाल हम या तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स या फिर सोप में करते हैं। जी हाँ, साबुन में भी, सोप में भी ऑयल डाला जाता है, और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं मेकअप का सामान, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है ऑयल्स का। मेजर ऑयल प्रोड्यूस्ड आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन, लिनसीड एंड सनफ्लावर। ये हमारे इंडिया के मेजर जो ऑयल सीड्स हैं, इन्हीं से मैक्सिमम ऑयल निकाला जाता है। इसमें भी सबसे आगे क्या है, ग्राउंडनट और मस्टर्ड और सोयाबीन कोकोनट तो सबसे आगे हैं, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा। ठीक, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल ऑयल एंड देयर एक्सट्रैक्शन ऑयल इज यूज एज कुकिंग मीडियम। जी हाँ, इसमें से जितने भी हमने बात की, ग्राउंडनट की, मस्टर्ड की, कोकोनट की, सीसम की, सोयाबीन की, कैस्टर सीड की, कॉटन सीड की, लीन सीड की, सनफ्लावर की, इसमें से जितने भी है ना मैक्सिमम एडिबल ऑयल है ना, और कुकिंग मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्सिमम क्या है, एडिबल ऑयल है, खाद्य तेल है, लेकिन इसमें से कुछ और जो है दूसरे काम आते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, सोप में, और कभी कभी कुछ मेडिसिन बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में। जी हाँ, ऑइंटमेंट और लिक्विड समझता होगा, जो दवाई आपको शीशी मिलती है लिक्विड फॉर्म में होती है पानी जैसा, तो वो लिक्विड कहलाता है, और जो आपको क्रीम मिलती है उसे ऑइंटमेंट कहते हैं। जो क्रीम मिलती है चोट लगने पे लगाते हैं हम, है ना, खुजली पे क्रीम, जो भी क्रीम मिलती है ना उसे क्या कहते हैं, ऑइंटमेंट कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो आपको ध्यान रखना है, लिक्विड तो आप जानते हैं पानी जैसा, और जो क्रीम रहता है सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड उसको क्या कहते हैं, ऑइंटमेंट कहते हैं। Some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics. Cosmetic मतलब सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य यानी समझते होंगे आप, सौंदर्य मतलब beauty products, makeup वाला, and ointments, और ointments अभी just हमने आपको बताया। तो इसमें से कुछ ऐसे oil seeds भी हैं जो maximum तो इस्तेमाल होते हैं raw material for किसके लिए, edible oil के लिए तो है ही, but उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो raw material के रूप में इस्तेमाल करते हैं soap बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, और कुछ ऑइंटमेंट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट, बट मोस्टली किसमें इस्तेमाल होता है, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल ऑयल एंड देयर एक्सट्रैक्टेड ऑयल इज यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। मोस्टली तो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, मोस्ट ऑफ दीज ऑयल सीड्स आर एज एडिबल ऑयल फॉर कुकिंग मीडियम, बट सम ऑफ देम आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट, कुछ ये बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जी हाँ, गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, सबसे ज्यादा ग्राउंड नट कहाँ प्रोड्यूस होता था, गुजरात में, और उसके बाद किसका नाम आता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, जो फॉलो करते हैं सेकंड थर्ड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक 2008 तक सेकंड था, ठीक, कनाडा और चाइना के बाद।
और पूरे इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे आगे है, तो गुजरात आगे है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। स्टूडेंट्स हमको कुछ खास बातें याद रखनी है। एक 2008 तक सेकंड रैंक आता था चाइना कनाडा के बाद। दूसरा कि 12% क्रॉप एरिया में से क्या उगता है, इडिबल ऑयल ही उगाते हैं, और उसमें भी 50% इडिबल ऑयल कहाँ से मिलता है, ग्राउंड नट से मिल जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इतनी खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हो गया ऑयल सीड के बारे में। चलिए अब हम बात कर देते हैं हमारे दूसरे कुछ ऑयल सीड्स की। जैसे कि हम बात करेंगे ऑयल सीड, तो जैसे कि हमने देखा सीसम है, कोकोनट है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है। अगर आप ग्राउंड नट पे फोकस करें तो आपको पता है कि मैक्सिमम खाने के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं मस्टर्ड पे, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, ये भी यूज खाने के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर आता है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल दो तरह से काम में आता है। एक हेयर पे भी लोग लगाते हैं, है ना, कोकोनट का आपको पता है, कोकोनट जो है बॉडी पे मसाज के लिए या फिर हेयर मसाज के लिए, है ना, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। हेयर ऑयल भी है, साथ ही साथ कोकोनट से कुकिंग भी होती है, यानी कुकिंग ऑयल भी है। कोकोनट इज अ कुकिंग ऑयल एज वेल एज इट्स अ हेयर ऑयल ऑल्सो। ठीक, बात करें शीशम की, तो शीशम जो है तिल का तेल, उसका इस्तेमाल भी होता है कुकिंग के लिए या फिर कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन पे। ऑस्पिशियस मतलब हो तो क्या होता है, खास मौके पे, जैसे कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है तिल का तेल, है ना। ऑस्पिशियस ओकेजन पे, पूजा पाठ, कोई भी इवेंट रहा तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, मांगलिक कार्यों में, है ना। और फिर कैस्टर सीड जो है, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है किसमें, मेडिकल इसमें। जी हाँ, कैस्टर पता होगा आपको, कुछ ऐसा सीड होता है जैसे दाने दाने होते हैं, ब्राउनिश कलर के, ब्लैक ब्राउनिश, अंदर व्हाइट कलर का फोम जैसा रहता है, जैसे नारियल में होता है कैसा, उसको प्रेस करो तो हल्का सा ऑयल जैसा स्टक कर रहता है, बिल्कुल वैसे ही कैस्टर का भी सीड होता है, अक्सर खेतों में लगता है, कांटे के पेड़ जैसा इसका होता है कैस्टर। ठीक, तो ये बात के लिए हमने किसकी, ऑयल सीड्स की। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने बीवर्ज क्रॉप की, जो कि है टी और कॉफी। तो बात करते हैं बीवर्ज क्रॉप्स की। स्टूडेंट्स हमने बात की अभी ऑयल सीड्स की, और अब हम बात करेंगे बीवर्ज क्रॉप्स की। तो क्या होते हैं बीवर्ज क्रॉप, ऐसी क्रॉप जिसे हम डायरेक्टली फूड के रूप में नहीं बल्कि उसे हम कंज्यूम करते हैं एज ए ड्रिंक, यानी कि पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए नहीं, तो उसे हम कहते हैं बीवर्ज क्रॉप। ऐसा क्रॉप जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, पेय पदार्थ होता है, उसे हम बीवर्ज क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। तो क्या है वो बीवर्ज क्रॉप, चलिए देखते हैं। उसमें से हम सबसे पहले बीवर्ज क्रॉप की बात करेंगे टी की। टी मतलब चाय, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन बीवर्ज क्रॉप है ऑल ओवर इंडिया, इट इज द मोस्ट कॉमन बीवर्ज क्रॉप, वो क्या है, टी है। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है विच इज द मोस्ट कॉमन बीवर्ज क्रॉप इन इंडिया, विच इज द मोस्ट कॉमन बीवर्ज इन इंडिया, तो आपको बताना होगा टी। टी जो है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन बीवर्ज है। लेकिन मजे की बात तो ये है स्टूडेंट कि टी को इंडिया से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। जी हाँ, टी उगाना जो है वो बाहर से ब्रिटिशर्स ने पहले स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही टी का प्लांटेशन शुरू किया गया, फिर इंडियंस ने सीखा उनसे। ठीक, और आज के जो जो भी चाय के बगान है मोस्टली तो इंडियंस के कंट्रोल में ही है। चलिए हम देखते हैं टी के बारे में, इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहला, टी इज ए प्लांटेशन क्रॉप एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जी हाँ, टी जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप है मतलब इसके बगान होते हैं, बगीचे होते हैं बड़े बड़े, है ना। एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, और इसकी शुरुआत किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने। तो आपको ध्यान क्या रखना है, टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके पहले हम हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, नेशनलिज्म इंडिया में, है ना, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, जिसमें हमने देखा था कि टी प्लांटेशन वगैरह था, स्वराज इन प्लांटेशन, इसकी बात हमने की थी हिस्ट्री वाले चैप्टर में। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि टी प्लांटेशन क्रॉप है और इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने। आगे देखते हैं, इट रिक्वायर्स, अब इसे उगने के लिए क्या क्या चाहिए, इसकी जरूरत क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस कंडीशन में, क्लाइमेट में ये उग पाएगा, ये बातें हम डिस्कस करते हैं। इट रिक्वायर्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट अलॉन्ग विथ ए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल विच शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे जो क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, दोनों में से कोई भी क्लाइमेट रहेगा चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसे क्या चाहिए, वेल ड्रेन, यानी अच्छे से सिंची हुई, ढेर सारा पानी उसे मिले, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी चाहिए, है ना, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, और साथ ही साथ वो सॉइल जो है फर्टाइल होगी, मतलब जिसमें होगी, रिच होगी ह्यूमस में, है ना, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर बहुत रिच होगी, तभी जाके वो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होगी। वेल ड्रेन मतलब अच्छे से इरिगेटेड, और फर्टाइल का मतलब तो आप समझ लीजिए कि ज्यादा उसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, और क्लाइमेट कौन सा चाहिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो ये रिक्वायरमेंट है किसकी, टी की, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दूसरा वेल ड्रेन सॉइल, और तीसरा फर्टाइल यानी कि रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, इतना होगा तो टी अच्छे से उग पाएगा।
आगे देखते हैं कि इंडिया जो है उसका रैंक आता है पूरे थर्ड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक आता है। इंडिया रैंक्स ऑन थर्ड पोजीशन इन टी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड 2008। तो भारत का जो स्थान था पूरे विश्व में तीसरा स्थान था टी प्रोडक्शन यानी कि चाय उत्पादन में, जो चाइना और तुर्की के बाद आता है। जी हाँ, चाइना और तुर्की जो कंट्री है उनका फर्स्ट और सेकंड आता है और इंडिया का थर्ड। चाइना फर्स्ट रैंक पे, तुर्की सेकंड रैंक पे और इंडिया थर्ड रैंक पे आता है टी प्रोडक्शन में। तो ये बात बताई गई है कि इंडिया रैंक्स ऑन थर्ड पोजीशन इन टी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड टिल 2008। इसमें इसके पहला जो हमने पढ़ा था ना ऑयल सीड के बारे में, वो भी 2008 तक ही था, तो ये भी 2008 तक ही है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इन द वर्ल्ड टिल 2008 जस्ट आफ्टर चाइना एंड तुर्की। जी हाँ, चाइना एंड तुर्की के बाद जो टी का प्रोडक्शन है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक जो आता है टी प्रोडक्शन में थर्ड रैंक पे आता है। इसके लिए जो टेम्परेचर, इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए, कैसा चाहिए, सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इसे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी बात तो हमने कर ली कि सॉइल कैसी चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, लेकिन उसके साथ इसको टेम्परेचर और रेनफॉल कैसा चाहिए उसकी भी बात तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 10 degree to 30 degree centigrade। जी हाँ, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10 से 30 degree centigrade तक चाहिए, और साथ में रेनफॉल भी चाहिए, यानी एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए, विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 200 centimeter, 200 centimeter से ज्यादा बारिश, यानी बहुत ज्यादा बारिश चाहिए इसको, यानी जहाँ पे ढेर सारी बारिश होती होगी उसी इलाके में उग पाएगा, कम रेनफॉल वाले इलाके में उग ही नहीं सकता। तो इसे चाहिए 10 से 30 degree centigrade तक का एनुअल रेनफॉल और 200 centimeter से ज्यादा, 10 से 30 degree centigrade तक का टेम्परेचर और 200 centimeter से ज्यादा, अब वो बोल रहे हैं ना, अब वो 200 centimeter से रेनफॉल, और जो क्लाइमेट होगा वार्म एंड मॉइस्ट फ्री फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। जी हाँ, वार्म यानी गर्म चाहिए, मॉइस्ट मतलब नमी वाला खुश्क, और फ्रॉस्ट फ्री का मतलब होता है इस पे कोहरा नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री मतलब कोहरा, उस पे बहुत सारी ओस ना गिरे, पत्तियां सड़ जाएंगी नहीं तो, है ना, तो कोहरा नहीं होना चाहिए, सनशाइन भी चाहिए इसे, है ना, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, वरना चाय के पत्ते को सुखाएंगे कैसे। आप देखते हो चाय की पत्तियां ब्राउन कलर की होती हैं जबकि प्लांट में ग्रीन कलर के होते हैं, तो सूखने के बाद ही कलर आता है, तो सुखाना होता है धूप में। जी हाँ स्टूडेंट, धूप में छांव में सुखाते हैं इसे। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 10 degree to 30 degree centigrade विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 200 centimeter, वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री डेज। जी हाँ, वार्म मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री डेज भी इसे चाहिए। अब हम बात करें तो इससे टी इंडस्ट्री की, जो चाय जहां बनता है ना, चाय का जहां प्रोडक्शन होता है उस इंडस्ट्री का देख लेते हैं। तो टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री यानी इसमें ढेर सारे लेबर लगते हैं, जितने ज्यादा लेबर उतनी अच्छी इंडस्ट्री, उतना अच्छा वर्क, और लेबर भी कैसे, अच्छे सीखे हुए चाहिए, ढेर सारे लेबर चाहिए, चीप चाहिए, मतलब सस्ते लेबर, ज्यादा महंगे नहीं, वरना चाय की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, है ना। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स अबुडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, विच रिक्वायर्स अबुडेंट यानी भरपूर, चीप यानी सस्ता, एंड स्किल्ड लेबर, और कैसे चाहिए इसे, स्किल्ड लेबर चाहिए जिनके पास कुछ गुण हो, काम करना जिसे आता हो, है ना। इट इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स अबुडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, विच रिक्वायर्स अबुडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे, इट्स लीव्स आर प्लग्ड एंड प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू मेंटेन देयर फ्रेशनेस। चाय में क्या किया जाता है कि ये जो चाय का पौधा होता है उसकी पत्तियां तोड़ ली जाती है। देखा होगा आपने स्टूडेंट्स, लेडीज लोग जेंट्स लोग क्या करते हैं, पीछे बड़ी सी बांस की टोकनी बांधे रहते हैं, उसमें पत्तियां तोड़ के डालते जाती है पीछे, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, हिली एरियाज में परफॉर्म होता है ना। तो इट्स लीव्स आर प्लग्ड एंड प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू मेंटेन देयर फ्रेशनेस, उनकी फ्रेशनेस, उनकी ताजगी बनी रहे, इसलिए टी गार्डन में इसे तोड़ा जाता है, वहीं पर सुखा है, वहीं पर प्रोसेस कर लिया जाता है, वहीं पर पूरी चाय का सिस्टम जो हो जाता है, चाय बनाने का सिस्टम पूरा वहीं पर हो जाता है, कहीं और नहीं ले जाते, वरना फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज है, मुख्य ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र है जहां पर टी प्रोड्यूस होता है, तो वो है मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया, असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। जी हाँ, असम की दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं, आपको बहुत मालूम होगा असम और दार्जिलिंग बहुत फेमस है चाय के लिए, है ना, असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हिल्स है, वो भी बहुत फेमस है, असम की दार्जिलिंग हिल है वो भी बहुत फेमस है, फिर तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, है ना, ये ऐसे स्टेट्स है, ऐसे रीजन्स है जहाँ पर बहुत ज्यादा चाय उगती है। और इन स्टेट्स में खास बात आपने नोटिस की होगी कॉमन, कि इनमें हिल्स है, जी हाँ, हिली एरियाज है, और टी जो है हिली एरियाज पर ही उग पाता है, और टी जो है वो एक ऐसा एरिया पे उगता है जहाँ पे चारों तरफ से बाउंड्री लगी होती है, प्लांटेशन होता है, उसके अंदर ही वर्कर्स रहते हैं, वहीं पर वर्क करते हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर होता है ना।
ये हमने देखा है पहले भी, तो आपको ध्यान के रखना है। दो बहुत नाम याद रखे, बाकी अब नाम आपको याद रहना रहे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो याद होना चाहिए, दार्जिलिंग असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और दूसरा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। जी हाँ, असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल, ये आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पर चाय उगता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कुछ खास बातें। सबसे पहला कि टी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया में इंडिया का रैंक क्या है टी प्रोडक्शन में, तो टी प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक थर्ड पोजीशन पे आता है, किसके बाद, चाइना और तुर्की के पास। ये 2008 का डेटा है। और स्टूडेंट्स इसे जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए या सिचुएशन चाहिए ग्रो करने के लिए वो क्या है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसे क्या चाहिए, वेल ड्रेन और ऐसा फर्टाइल सोल चाहिए जो रिच हो ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर में, है ना। वेल ड्रेन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में उगेगा, लेकिन अलॉन्ग विथ वेल ड्रेन रिच इन ह्यूमस फर्टाइल सॉइल, है ना, ऐसा चाहिए हमें। ठीक, थर्ड पोजीशन आते हैं, तुमको पता है। और इसे कौन सी कंडीशन, टेम्परेचर रेनफॉल कितना चाहिए, तो इसमें टेम्परेचर चाहिए 10 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक और रेनफॉल अबो 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। वार्म एंड इसमें मॉइस्ट फ्री फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट भी है, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट भी है, ज्यादा ओस भी नहीं पड़ने चाहिए, नमी भी होनी चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा धूप भी नहीं होनी चाहिए, कम धूप भी नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशंस रिक्वायर्ड है। और तो और यह एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसमें सस्ते चीप लेबर होना चाहिए, अबुडेंट बहुत सारे और स्किल्ड लेबर होने चाहिए, है ना, तब जाके इंडस्ट्री अच्छा वर्क करिए। इसमें क्या करते हैं, टी के लीव्स को प्लग करते हैं और इंडस्ट्री में ही प्रोसेस कर लेते हैं, वहीं पर प्लांटेशन में ही, ताकि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे, यानी कि ये लिप्स खराब ना हो, वो जो है उसकी फ्रेशनेस खत्म ना हो, इसलिए वहीं पर लिप्स को प्लग किया जाता है और वहीं पर प्लांटेशन में उसे प्रोसेस किया जाता है। स्टूडेंट्स जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, उसमें दो बहुत फेमस हैं, एक है असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और दूसरा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, है ना, जलपाईगुड़ी जो है, और उसके बाद तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो टी प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये तो बात होगी हमारे टी विवर्स क्रॉप की, अब हम बात करेंगे हमारे अगले और आखिरी विवर्स क्रॉप की, जो कि है कॉफी। सो विवर्स क्रॉप्स में टी की बात कर लेने के बाद अब हम बात करेंगे कॉफी की, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स कॉफी जो है वो भी एक प्लांटेशन क्रॉप है और विवर्स क्रॉप है, बिल्कुल टी की तरह। जी हाँ, कॉफी जो है वो भी प्लांटेशन क्रॉप है, इसकी भी बगीचा बागवानी होती है और विवर्स क्रॉप है, यानी कि पेय पदार्थ है, इसे भी पीने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि खाने के, फूड क्रॉप है लेकिन ये विवर्स क्रॉप भी है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी खासियत क्या है, इसकी ग्रोइंग कंडीशन क्या है और इंडिया में इसका रैंक क्या आता है, चलिए देखते हैं। कॉफी इज ऑल्सो ए प्लांटेशन क्रॉप एंड इंडियन कॉफी इज वेल नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉफी जो है वो भी एक प्लांटेशन बीवर्स क्रॉप है और इंडियन कॉफी जो है वो तो पूरे वर्ल्ड में अपने बेस्ट क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ, भले ही इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना होता हो, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो कॉफी है वो बहुत अच्छी तरीके से बिकती है, बहुत अच्छे दामों में बिकती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इट इज वेल नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी। कॉफी इज ऑल्सो प्लांटेशन क्रॉप एंड इंडियन कॉफी इज वेल नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यही बताया गया। दूसरी बात, अबाउट 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी, पूरी दुनिया में जितना भी कॉफी प्रोड्यूस होता है उसमें से 3.2%, पूरी दुनिया का 100% प्रोड्यूस होता होगा, उसमें से 3.2% अकेले कौन प्रोड्यूस करता है, इंडिया प्रोड्यूस करता है। 2008 की बात है, जी हाँ, 2008 के डेटा के हिसाब से अबाउट 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी, वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड कॉफी इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया ओनली। जी हाँ, भारत 3.2% पूरे विश्व के कॉफी उत्पादन का हिस्सा अकेले ही प्रोड्यूस कर देता है। तीसरा, इंडिया में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है, कर्नाटका। कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इंडिया। जी हाँ, कर्नाटका के जो हिल्स है ना, नीलगिरी वगैरह, वो बहुत फेमस है, इन्हीं इलाकों में ज्यादातर कॉफी की खेती की जाती है। कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 3.2% प्रोडक्शन है और इंडिया में कर्नाटका जो है वो ज्यादा फेमस है कॉफी के प्रोडक्शन के लिए। इसकी कुछ खास कंडीशन है, वो कंडीशंस ऐसे कर्नाटका हो गए, केरला हो गए, है ना, और तमिलनाडु के यही इलाके पूरे कर पाते हैं, इसलिए इन्हीं इलाकों में कॉफी उगाई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं वो कंडीशंस क्या हो। एक्चुअली कॉफी को जो है उसकी बीन्स होती हैं, टी की तरह लीव्स नहीं होती, कॉफी के दाने होते हैं, बीन्स होते हैं, आपने देखा होगा जो गेहूं के दाने होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार उसी शेप में, बस थोड़े से जाइंट साइज में, उससे थोड़े से बड़े साइज में होते हैं कॉफी बीन्स और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। जी हाँ, डार्क ब्राउन कलर की कॉफी होती है कॉफी बीन्स, और गेहूं की तरह दिखते हैं वो, तो वही कॉफी है। और उसको
डायरेक्टली स्वेलो नहीं किया जाता, उसे क्या करते हैं कंज्यूम नहीं करते हैं, उससे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, उसका जो बीन्स होते हैं उसे क्रश करते हैं पाउडर फॉर्म में। जी हाँ, उसका पाउडर बनाया जाता है, कॉफी पाउडर जिसे कहा जाता है, फिर उसे बिवर में मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टी लीव्स को आप देखते हैं चाय पत्ती को सुखा के कैसा बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से कॉफी बीन्स को भी, कॉफी के दानों को भी क्या किया जाता है, क्रश करके पीस करके उसे पाउडर का फॉर्म दिया जाता है, ताकि वो पाउडर हमारे बिवर्ज में, यानी कि हमारे उस लिक्विड पेय पदार्थ जिसे हम पीते हैं उसमें अच्छे से घुल जाए और अच्छा उसका जो फ्लेवर है कॉफी का वो मिल पाए। ठीक, कॉफी बीन्स आर क्रश्ड इन पाउडर फॉर्म टू ओपन इट्स डिस्टिंक्टिव फ्लेवर इन बीवर। डिस्टिंक्टिव मतलब अनोखा, इसका जो अनोखा स्वाद है वो हमें बीवर में उस पेय पदार्थ में मिल पाए, इसलिए हम उसे बीन्स को क्या करते हैं, क्रश करते हैं पाउडर फॉर्म में और उसे मिक्स कर देते हैं। ठीक, कॉफी बीन्स आर क्रश्ड इन पाउडर फॉर्म टू ओपन इट्स डिस्टिंक्टिव फ्लेवर इन बीवर। आगे देखिए, अब इसकी कंडीशन क्या है ग्रोथ की, यानी कि इसे उगने के लिए, इसका प्लांटेशन करने के लिए, इसका क्रॉपिंग होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है, इसे बारिश कितनी चाहिए, इससे टेम्परेचर कितना चाहिए, इसे सॉइल कौन सी चाहिए, सारी बातें चलिए हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन सॉइल, यानी ऐसी सॉइल जिसे पानी बहुत ज्यादा मिलता हो, ऐसा नहीं कि पानी कमी हो, है ना, इसे पानी चाहिए ढेर सारा। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस, और वो ह्यूमस में भी रिच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी, सॉइल जो है फर्टाइल भी होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना चाहिए। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस अलॉन्ग विथ टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर कितना चाहिए, अलॉन्ग विथ टेम्परेचर बिटवीन 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस अलॉन्ग विथ टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 टू 200 सेंटीमीटर। जी हाँ, 150 से 200 सेंटीमीटर तक की एनुअल रेनफॉल इसे चाहिए। टेम्परेचर 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और जो रेन है, एनुअल रेन है, वो कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए, तब जाके कॉफी अच्छी उग पाएगी। लेकिन इसका जो सॉइल है वो वेल ड्रेन और रिच इन ह्यूमस भी होना चाहिए। तो चार कंडीशन, सॉइल जो है वेल ड्रेन हो, रिच इन ह्यूमस हो, टेम्परेचर 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, और चौथा रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो। अगर ये चार कंडीशन है तो कॉफी अच्छे से उग पाती है। स्टूडेंट्स, इंडिया में अभी अभी जस्ट मतलब इनिशियली पहले दूसरे टाइप की कॉफी उगाई जाती थी, इंडियन कॉफी, लेकिन अभी हाल ही में अरेबिक नेशंस जो कि यमन कंट्री है वहां से कॉफी की अलग वैरायटी मंगाई गई है। जी हाँ, द अरेबिक वैरायटी विच इज प्रेजेंटली यमन इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में जो है अरेबिक वैरायटी जो अभी अभी यमन से मंगाई गई है वो प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, वेल क्वालिटी है इसीलिए। ठीक, इट्स कल्टिवेशन वॉज अर्ली इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स। जी हाँ, जो बाबा बुदान हिल्स है ना, उसमें ज्यादा उगाई जाते हैं, उसमें शुरुआत की गई थी कॉफी कल्टिवेशन की। शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की गई, बाबा बुदान हिल्स में। ये ऑब्जेक्टिव रूप में इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड में आ सकता है एमसीक्यूज में, कि कॉफी की जो प्लांटेशन या कल्टिवेशन की शुरुआत हुई है कहाँ से हुई है, बाबा बुदान हिल से हुई है, और आज भी वो लिमिटेड है कहाँ पे, इन नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यहीं पर लिमिटेड, इससे ज्यादा आगे फैल नहीं पाया। इन्हीं इलाकों में आज भी कॉफी की खेती की जाती है, शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अभी भी यहीं तक की जाती है। आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट, कि इनिशियली कॉफी कल्टीवेशन कहां से स्टार्ट हुआ, शुरुआत में सबसे पहले बाबा बुदान हिल से, और आज भी कहां लिमिटेड है, नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, हमें कुछ खास बातें कॉफी के बारे में जो याद रखनी चाहिए वो क्या है, कि कॉफी भी एक प्लांटेशन और बीवर्स क्रॉप है, और इंडिया कॉफी जो है, इंडियन कॉफी जो है पूरे वर्ल्ड में अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है। दूसरी बात कि पूरे वर्ल्ड का जो टोटल कॉफी प्रोडक्शन है उसमें से अकेला इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, 3.2%, ये कौन से डेटा के हिसाब से, 2008 के डेटा के हिसाब से है। और स्टूडेंट, इंडिया में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट स्टेट जो कॉफी प्रोड्यूस करने में है वो है कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इंडिया। कॉफी को बिल्कुल टी लीव्स की तरह इस्तेमाल नहीं करते, कॉफी में लीव्स का नहीं, कॉफी में बीन्स का इस्तेमाल होता है। कॉफी की जो बीन्स होती हैं उसे क्रश्ड किया जाता है, पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, ताकि उसे बीवर में मिला के उसका डिस्टिंक्ट फ्लेवर, अनोखा स्वाद लिया जा सके, है ना। कॉफी बीन्स आर क्रश्ड इन पाउडर फॉर्म टू ऑब्टेन इट्स डिस्टिंक्टिव फ्लेवर इन बीवर्स, है ना। बीवर्स का मतलब पेय, जिसे हम पीते हैं ना, पेय कहा जाता है हिंदी में। इसका जो टेम्परेचर है, मतलब इसका जो ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड है वो चार है, एक वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, दूसरा रिच इन ह्यूमस चाहिए, तीसरा टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए,
और रेनफॉल कितना चाहिए, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक का इसका रेनफॉल चाहिए, तब जाके उग पाएगा। तो ये चार कंडीशन ध्यान रखनी है, कौन सी, वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस, 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर और 150 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल इतना चाहिए, तब जाके कॉफी अच्छे से उग पाइए। स्टूडेंट्स, इंडिया में पहले स्टार्टिंग में जो कॉफी उगाई जाती थी वो इंडियन कॉफी थी, इंडियन वेराइटी थी, लेकिन इनिशियली जस्ट हाल ही में द अरेबिक वेराइटी जो यमन देश से लाई गई है, अरेबिक वेराइटी का कॉफी, उसका कल्टिवेशन इंडिया में किया जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ज्यादा अच्छा पैदावार हो जाता है, इसलिए अरेबिक वेराइटी का कॉफी हम उगाते हैं, उसको कल्टिवेट करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉफी का जो शुरुआत है, इनिशियली कॉफी कल्टिवेशन की शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुई थी, बाबा बुदान हिल्स में। जी हाँ, कॉफी की शुरुआत सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स में, और आज भी ये कुछ ही स्टेट्स में लिमिटेड है, जैसे कि नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जी हाँ, इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं, नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इतनी खास बातें याद रखिए, कॉफी जो इंडियन कॉफी बेस्ट क्वालिटी की जानी जाती है। दूसरा, इसका शुरुआत जो है इंडिया का, इंडिया जो पूरे वर्ल्ड का 3.2% प्रोड्यूस करता है 2008 के डेटा इसके हिसाब से, और कॉफी को बीन्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कर्नाटका मेजर प्रोड्यूसर है, और इसे जो भी डिस्टिंक्ट फ्लेवर आएगा सिर्फ उसके बीन्स के क्रश्ड फॉर्म से ही आएगा, बीन्स को क्रश कर देंगे पाउडर फॉर्म में तो इसका डिस्टिंक्ट फ्लेवर मिलेगा बीवर्स में। और इसकी ग्रोइंग कंडीशन क्या है, सबसे आसान ग्रोइंग कंडीशन में हम देखेंगे चार चीजें, वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस, टेम्परेचर 23 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर तक का, इतना है तो कॉफी उग जाएगा। कॉफी जो सबसे पहले उगाई गई थी इंडिया में वो कहाँ उगाई थी, बाबा बुदान हिल्स में, और आज जो कॉफी उगाई जाती है वो अरेबिक वैरायटी जो यमन कंट्री से इनिशियली मंगाई गई है, पहले इंडियन वैरायटी चलती थी और अभी अरेबिक वैरायटी ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और पहले कल्टीवेशन जो शुरुआत हुआ बाबा बुदान हिल से, और आज भी ये कल्टीवेशन लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है, उन इलाकों में जैसे कि नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स, ये बात कर ली हमने कॉफी की, तो स्टूडेंट्स आज हमने बात किया किसका, टी का, कॉफी का। जी हाँ, हमने जो बीवर्ज क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड की बात की हमने अलग से, है ना, फिर हमने बात की बीवर्ज क्रॉप में टी और कॉफी की। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे चैनल को आप देखते रहिए, वीडियोस रेगुलरली वॉच करते रहिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।